अभी फिलहाल मेरी तबीयत ठीक है, अभी फीवर जाके कम हुआ है, 98.8 पे आया है। आज दोस्तों डे टू है कोविड वैक्सीन लगवाने के बाद, और जो मेरा वैक्सीन था वो शील्ड का था, कोविड शील्ड। एंड कल मैंने 8:30 बजे जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि मेरा जो टेम्परेचर है वो 99.43 ऐसे कुछ टेम्परेचर था, और उसके 1 घंटे के बाद जो मेरा टेम्परेचर हो गया था बॉडी का वो 101.8 तक हो गया था। मतलब बुखार इतना ज़्यादा हो गया था कि बहुत हालत ख़राब हो गई थी, और मैं वीडियो भी एडिट बहुत मुश्किल से कर पाया क्योंकि मुझे 8 बजे कल पोस्ट करना था, मतलब आज के दिन, तो मुझे किसी तरह से एडिट करके फिर अपलोड करके फिर मैं सो गया। बुखार बढ़ने से बॉडी में हर एक जगह पेन होना स्टार्ट हो गया था, मतलब काफ़ी पेन हो रहा था, और उसकी वजह से बुखार भी 100.8 था, जिसकी वजह से ऐसे लग रहा था कि मतलब दिमाग में कुछ, मैं सो रहा हूँ बट दिमाग में कुछ प्रोसेस चल रहा है जो ख़त्म नहीं हो रहा है। और ऐसे चलते चलते मॉर्निंग में जाके मुझे थोड़ा सा मेरा बुखार कम हुआ और 100 पे आया, और फिर उसके बाद मैं सो गया, और मॉर्निंग से लेके अभी दिन में 4 बजे जाके मेरा जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हुआ, 98.8 हुआ। और जो पेन वाली बात है वो मैंने कुछ और लोगों से भी पूछा जिन्होंने वैक्सीन लिया था, तो पेन तो नॉर्मल है और बुखार भी सबको एटलीस्ट हो ही जा रहा है कुछ ना कुछ। अभी फिलहाल मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, बुखार बिल्कुल नहीं है, बस थोड़ी सी वीकनेस बोले या फिर ऐसे लग रहा है कि मुंह का भी टेस्ट थोड़ा अलग हो गया है, और बाकी सब कुछ ठीक है। होपफुली मैं कल से एकदम अच्छा हो जाऊंगा, और अभी भी अच्छा हो गया हूँ, तो कल से मतलब कुछ ऐसा फील नहीं होगा, अभी तो हल्का फुल्का फील भी हो रहा है। लोग ऐसा बोलते हैं कि वक्त के साथ सारे दर्द घाव भर जाते हैं, वैक्सीन लगवाने के बाद वक्त के साथ आपको फीवर दर्द सब कुछ होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये है मेरा डे टू का एक्सपीरियंस। मैं हमेशा मॉर्निंग में वीडियो शूट कर लेता हूँ बट आज इवनिंग में कर रहा हूँ, और मैंने प्रॉमिस किया था कि मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज बिल्कुल मन नहीं था वीडियो बनाने का, आवाज़ भी मेरी कुछ दबी दबी सी है, ऐसे लग रहा है कि मैं अंदर से आवाज़ मेरी खींच ली है। सो ये है आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।